एक बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है नया ब्लड आना और सेल्स आना। तो सेल्स का मतलब ही क्या होता है, एनहांस करना है बिजनेस के रेवेन्यू को और मेंटेन करना है करंट रेवेन्यू को। मतलब इसका क्या हो गया, नया ब्लड आना चाहिए और पुराना ब्लड भी सर्कुलेट होकर घूमना चाहिए। मतलब आपका सेल्स जो है वो एक फिक्स रहना चाहिए और नया सेल्स भी आपको मिलते रहना चाहिए, उसको सेल्स मैनेजमेंट है। कई लोगों का सेल्स का मतलब क्या होता है, जो आ रहा है वो आते रहे, तो कई बार आना जाना बंद हो जाता है और फिर अपने अटक जाता है। तो पुराना आते रहे और नया मिलता रहे। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, पिछले साल आपने 100 कस्टमर आपके साथ जोड़े और वो 100 कस्टमर से आपने 1 करोड़ का बिजनेस किया। अब हुआ है अगले साल जो है वो आपके कस्टमर जो है वो 120 हुए। तो 120 किस तरीके से हुए, पुराने में से 20 छोड़कर गए और नए 20 आपको जोड़कर गए, टोटल आपके हो गए 120। लेकिन आपके कस्टमर कितने कहलाएंगे, 100। तो होगा क्या, आपका बिजनेस 1 करोड़ का ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 करोड़ के लिए अगर आपके पास 100 कस्टमर है, अब 2 करोड़ करना है तो आपके पास 200 कस्टमर होने चाहिए, नए 100 और पुराने 100। क्लियर, इसको सेल्स मैनेजमेंट कहते हैं। अब ये सेल्स मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो इंडियन का परचेस करने का तरीका हमें समझना पड़ेगा, इंडियन मेंटालिटी। तो इंडियन मेंटालिटी कोई भी चीज को परचेस किस तरीके से करती है, सबसे पहले वो क्या करती है, बाइंग करने का उनका क्या होता है, एक एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या, दृष्टिकोण। फिर वो क्या करते हैं, सेकंड में ट्राई, बाय करते हैं फिर ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद विश्वास, बिलीव करते हैं। विश्वास अगर आपके ऊपर उन लोगों का आ जाता है उसके बाद वो क्या करते हैं, परचेस। और परचेस करने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, रेकमेंडेड, भलामंड। तो आपके साथ कोई भी कस्टमर अगर जुड़ रहा है तो वो पूरे ये प्रोसेस में जाएगा। पहले इधर ही होगे, खरीदना है लेकिन खरीदेंगे वो फिक्स नहीं है, फिर वो करेंगे ट्रायल, थोड़ा सा ऑर्डर देंगे और चेक करेंगे कि आपके पास वो क्षमता है, वो लिमिट है कि आप मुझे दे सकते हो, फिर वो आगे बढ़ेंगे, विश्वास करेंगे। अगर उनको वो कॉन्फिडेंस आपने दिया फिर आगे वो क्या करेंगे, फिर से परचेस करेंगे, फिर से खरीदेंगे और वो कंटिन्यूस हो गए, फिर वो लोगों को रेकमेंड करेंगे। अगर वो आपके बिजनेस में फॉर्मूला लगता है तो क्लियर, ये इंडियन मेंटालिटीज है, लोगों की खरीदने की तरीके है। अब बात करते हैं कस्टमर क्यों आपको पसंद नहीं करते हैं या क्यों आपके पास से नहीं खरीदते हैं, उसकी वजह क्या है, Why customer will be not buy you? क्यों आपसे नहीं खरीदते? तो कस्टमर्स अगर आप लोगों से नहीं खरीद रहे हैं तो उसका सबसे पहले रीजन क्या है, कितने लोग आज राजकोट में ऐसे हैं, परसेंटेज में अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि वो आपके कंपनी के बारे में जानते हैं, उसका डेटा आपके पास है, सवाल करना है हमें अपने आप। अब सवाल ये है कि एक मार्केट है 100% का मार्केट है, बराबर। अब इस मार्केट में अभी तक आपको जानने वाले लोग कितने हैं, 5%। तो ये 5% के हिसाब से आप रेवेन्यू कितना जनरेट कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 5 CR। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो मार्केट आपका है उसमें अगर 5% जान रहे हैं तो उसमें आपको ये परसेंटेज बढ़ाने पड़ेगा। जब आप ये अवेयरनेस लोगों को फैलाते जाओगे फिर ये 5% का जो बिजनेस है वो 50% पर चला जाएगा। और वो अवेयरनेस कहां से जाएगी, उसका मार्केटिंग और ब्रांडिंग जब हम करेंगे तब। अब सवाल ये है, आपके बारे में लोग जानते ही नहीं तो आपसे लोग खरीदेंगे, क्लियर हो रहा है सवाल। तो ज्यादातर लोगों के कस्टमर इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि कस्टमर ही उनके बारे में नहीं जानते कि ये कंपनी क्या और ये करती क्या। सेकंड चीज, दे डोंट अंडरस्टैंड
द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, उनको ये पता ही नहीं होता है कि आपकी प्रोडक्ट हमें क्या बेनिफिट्स देने वाली है या मुझे क्या फायदा होगा आपसे जुड़कर। तो कई बार जानकारी तो मिल जाती है कि ऐसा नाम तो मैंने सुना है कहीं ना कहीं, तो वो तो माइंड में है, लेकिन उनसे उनको क्या फायदा होने वाला है वो हम उनको दिखा नहीं पाते, तो उससे लोग नहीं जुड़ते, डिस्कनेक्ट हो जाते। फिर आता है तीसरा चीज, दे डोंट फील योर प्रोडक्ट विल बी वैल्यूएबल, उनको वो फील नहीं हम दे पाते हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट लेने से आपको ये बेनिफिट्स होगा या ये फायदा आपको मिलने वाला है या ये आपकी वैल्यू क्रिएट होने वाली है, वैल्यू एडिशन वो हम नहीं कर पाते। फिर आता है दे डोंट सी हाउ योर प्रोडक्ट मीट दैट नीड्स, कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है या उनकी जो जरियात है या उनको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी प्रोडक्ट नहीं होती है, तो उनकी नीड होती है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो कस्टमर रुक जाते हैं, वो बोलते बाद में देखेंगे। उसके बाद एक रीजन निकल कर आता है, योर प्रोडक्ट इज नॉट, कि आपकी प्रोडक्ट को उन्होंने जान भी लिया समझ भी लिया लेकिन उसके बाद वो क्या नहीं कर रहे, बोलिए क्यों नहीं कर पा रहे, तुमने इसको भेज दी, क्योंकि हमने खुद ने अभी तक बैठकर हमारी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है और उसके फीचर्स क्या है वो हमने खुद ने लिखे नहीं। तो जब आप कस्टमर को बेचने के लिए जाते हो तो आप उसको प्रोडक्ट समझा कर आते हो, और कस्टमर कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, या आप खुद अगर कस्टमर हो तो आप खुद कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदते हो, प्रोडक्ट से होने वाले फायदे को खरीदते। तो आज के बाद आप या आपकी टीम में जो बंदा सेल्स में होगा वो प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, उसके बेनिफिट्स बेचेगा और उसके फीचर्स बेचेगा। तो जब फीचर्स के ऊपर और बेनिफिट्स के ऊपर बात होती है तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाती है, फिर वो धूल हो या पानी हो वो बिकता है। लेकिन क्या है, यहां पर अपने खुद कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमने कभी उस चीज का एनालिसिस नहीं किया है, तो हम लोगों का एनालिसिस नहीं करवा पाते, क्लियर, तो कस्टमर फिर नहीं जुड़ते।